नया जगत, जैसे ही हम देख रहे हैं हमारा पहले क्या था, हम क्या थे, हम बानर थे, जैसे ही बानर है उसी से निकल के मनुष्य आ गए। उसी हिसाब से श्री अरविंद जी बोल रहे हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ये शरीर भी परिवर्तन हो जाएगा, मनुष्य जैसे ही है और एक नया जाति आएगा जो वही सुप्रीम का पावर के द्वारा परिचालित होगा, उसके उसके पास कोई नियम नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट उसको नहीं चलाएगा, कोई पुलिस उसको नहीं जगेगा, क्योंकि वो खुद ही सचेत होगा कि जो अच्छा है, जो सही है, जो दिव्यता है उसके अंदर वो प्रकाशित होगा। तो हमारे अभी अगर मैं हम लोग तो ये बात हमें जान में आ गए, मीन्स हम जान लिए कि ये चीज होने वाला है, और श्री अरविंद जी बोल रहे हैं कि ये बात भी इसी तरह सटन है जिस तरह सूरज का उगना, ये जरूर ही होगा, पर ये कब तक होगा ये आप और हम सबके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरह हम देखें, अगर कोई गाड़ी कोई बीच रास्ते पे कोई गड्ढा में गिर गया है, तब हम जब उसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं क्या करते हैं, उसको पीछे से धक्का लगाते हैं या फिर कोई दूसरा गाड़ी उसको घिसता है, पर वो जो गाड़ी है वो भी खुद भी कोशिश करना पड़ता है, वो खुद भी इंजन स्टार्ट करके उसका भी एक्सीलेटर दबाता है, तो वो अगर नहीं चाहेगा उठने के लिए तो कोई नहीं उठा सकता उसको। तो हम हमारे जीवन में इस तरह सेटिस्फाइड हैं, हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वो सब कुछ तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, सैलरी आ जाता है महीने के एंड में और हम उसको जी जान लगा के खर्च कर देते हैं, उस महीने के एंड में फिर से सैलरी आ जाएगा, फिर से चलेगा। हम जन्म लेते हैं और पैदा होने के बाद पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद कोई एक मीन्स शादी हो जाता है, बच्चा कर लेते हैं, फिर बाधे के आ जाता है, उसके बाद फिर से जीवन से चले जाएंगे, वही तो चलता रहता है। पर उससे अगर ये जीवन क्या अच्छा है, इसमें हम अगर सेटिस्फाइड हैं तो हमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो कहीं पे भी अगर हमारे अंदर हमारे जीवन में एक असहिष्णुता का भाव अगर है, जो है वो सही नहीं है। जितने भी सारा चेंजेस आप देख लीजिए, अभी जो भारत अभी तक जो बना है वो क्या इतना सहज से बन गया? कई सारे आए हमारे ऊपर शासन किए, उनके विरुद्ध हम युद्ध किए, और कितने लोग हमें शासन करने के बाद फिर जाके हम जागृत हुए। श्री अरविंद जी बोल रहे हैं ये भी होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह भारत का लोग हैं, जिस तरह वो सहमे हुए थे, जिस तरह वो इनर्शिया में थे, जैसे जड़ता उनके अंदर आ गया था, उसको जागृत करने के लिए एक आधार चाहिए था। और उसी तरह का आधार जितने सारे रिफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, वो फ्रांस रिवॉल्यूशन हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो, या फिर इंडिया का बारे में बता रहे हैं, जहां पे भी वो रिवॉल्यूशन हुआ है इसी तरह का एक आघात आया है। जापान में जाके जब बॉम्ब पड़ा उसी के ऊपर अभी का जापान आया, अगर नहीं आ पाता तो एक डिफिकल्टीज के फेज के अंदर हमें जाना पड़ता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई सारे डिफिकल्टीज आता है हमें जागृत करने के लिए। हमें जिस अवस्था में हैं अभी हम सेटिस्फाइड हैं, जब तक वो आघात नहीं आएगा हम जागृत नहीं होंगे। तो कभी कभी ये डिफिकल्ट का पीरियड ऐसा है कि जो ये भगवान का ग्रेस होता है, कृपा होता है, हम उसको समझ नहीं पाते। जैसे भगवान का ग्रेस कैसे काम करता है, अगर कोई चोर है तो चोर को ग्रेस क्या करेगा, भगवान का कृपा कैसे काम करेगा उसके ऊपर? वो तो प्रार्थना करता है मेरा चोरी अच्छे से हो, कोई मुझे देख ना पाए, कोई मुझे पकड़ ना पाए। पर डिवाइन ग्रेस कैसा काम करता है, उसको जेल में डाल देता है, क्योंकि जो भगवान का ग्रेस है, कृपा है, उसको उसका लिमिटेशन से ऊपर लेने के लिए कोशिश करता है। ये नहीं कि वो जो चाहता है उसको दे दो, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर जितने भी सारा हम क्या हर समय हम एक डिजायर रहता है, ऐसा मुझे जीवन चाहिए, ऐसा चाहिए जीवन में, ये चाहिए वो चाहिए, पर भगवान अपने हिसाब से क्यों देता है? क्योंकि भगवान बोलता है कि वो
तुम्हारे लिए नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मैं देता हूं। तो जो ग्रेस है वो उसी हिसाब से काम करता है। ये आपके प्रस्तुति के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, आप कितना चाहते हो उसके ऊपर भी नहीं डिपेंड करेगा, पर आपको जो चाहिए वो देगा। ये है भगवान का कृपा। अब अगर हम अपने आप को खुद देखें, इसे कई तरह का दासत्व के अंदर हम बंधे हुए हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लव जो प्रेम है वो किस तरह का प्रेम हमारे अंदर है, मनुष्य के अंदर कैसा प्रेम है वो अगर हम देखें, तो जिस चीज को हमें अच्छा लगता है वो खुद हम उसको ले आते हैं अपने घर में रखने के लिए। चिड़िया अच्छा लगा उसको पिंजरे में डाल दिया, अपने घर रख लिया। कोई अच्छा लगा तो उसको शादी कर लिया, उसको घर में रख लिया। तो जिसको हम देखते हैं उसके अंदर अच्छाई है, तो अगर हमें चाहत में आ जाता है तो उसको हम पोजेस कर लेते हैं। तो वो क्या सही में लव है? सही में वो क्या प्रेम है? मां बोल रहे हैं दिव्य प्रेम ये हो सकता है। अगर आप खुद को देखें तो जब हम किसी को प्यार कर रहे हैं तभी हमें अच्छा लगता है, ना कि कोई हमें प्यार कर रहा है तभी अच्छा नहीं लगता। जब हम सही में किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी के साथ प्रेम होगा, हमारी तरफ से शुरू होगा, तभी हमें अच्छा लगता है अंदर से। वो है सही प्रेम, जिसके अंदर कोई डिजायर्स नहीं होगा। चारों कैटेगरी का प्रेम है। एक है कोई खुद नहीं शुरू करता, अगर कोई प्रेम करेगा तभी जाके वो प्रेम करेगा, वो एक तरह का है। अगर वो मुझे प्यार करता है तभी जाके मैं प्यार करूंगा, नहीं तो नहीं। दूसरे कैटेगरी का है मैं प्रेम करता हूं वो वापस मुझे प्रेम करना चाहिए, नहीं तो नहीं है, नहीं है, नहीं तो मैं एसिड डाल दूंगा उसके ऊपर। ये हमारा सोच है, जिसको हम प्यार करते हैं वो मुझे भी प्यार करना चाहिए। और तीसरा कैटेगरी का है मैं उसको प्यार करता हूं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, पर वो उसको रिकॉग्नाइज करे, कोई बोले कि हाँ ये उसको प्यार करता है। वो अगर कोई बोलता नहीं है तो मुझे लगता है नहीं बाकी सब खराब है, कोई अच्छा प्यार नहीं रहा जीवन में, इस तरह का एक डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। और जो चौथा कैटेगरी का है वो प्योर होता है, कुछ नहीं मांगता, वो स्वतः प्रेम उसका आ जाता है, और वो प्रेम होता है भगवान के साथ। भगवान उसी तरह हमें प्रेम करते हैं, इसीलिए वो प्रेम होता है। जो ह्यूमन के साथ जो हमारा प्रेम होता है वो उसी तरह की होता है, वो जिस तरह है हमारे उस तरह की होता है, क्योंकि हम खुद एक मिरर होते हैं। हमारे अंदर जैसा भी प्रेम रहेगा वैसा ही प्रेम दूसरे के अंदर भी आएगा। हम अगर किसी को, अगर आप देखें आपका थॉट प्रोसेस से आप सोच के गए हैं ये बंदा सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो घटकेगा और आपके बातों में वो आ जाएगा और झगड़ा शुरू होता है। अगर आपके अंदर ये है कि नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, तो जो अगर गलत भी वो बोलेगा आपको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर एक सोच है जो जिस तरह की सोच के लेके आप जीवन जीते हैं उसी तरह का सोच आप हर एक के अंदर दिखेगी। तो ये सब जो हम खुद देखेंगे सारे चीज में, कई सारे ऐसा चीज है हमारे जीवन में जो हमें सिर्फ बांध के लिमिटेड करके रखा है, जिसको हम अतिक्रम करना नहीं चाहते। तो श्री अरविंद जी बोल रहे हैं अगर कोई सही में उस नया जगत का अगर उपयुक्त होना चाहता है तो पहले उसके अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज है, जो दिव्यता है, उसको अगर वो पहचान पाए और अपने जीवन में ला सके तभी जाके वो कैंडिडेट होगा, तभी जाके उसका जर्नी शुरू होगा इस जगत से उस तरह का मां एक जगत के जगत में पहुंचने के लिए। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे सारे जीवन में डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज है, हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या जागृत हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं या ऐसे ही कर देते हैं। तो हमें वो कॉन्शियसली एक एफर्ट डालना है कि नहीं मैं जिस तरह का हूं उससे ऊपर उठना चाहता हूं,
उससे बढ़ना चाहता हूं। मेरा हर दिन ऐसा एक कोशिश रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर ही मुझे जाना है। और उसका कोई एंड नहीं होता है, परफेक्शन का कोई एंड नहीं होता है, वो एक इन्फिनिट है। इसीलिए हम बोल रहे हैं भगवान अनंत है, क्योंकि वो एंड कुछ ऐसा नहीं कि हाँ यहां पहुंच गए तो भगवान मिल गए सर गए खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक हमेशा ग्रो करने के लिए प्रोसेस में होता है, वो हमेशा एक अनफोल्डिंग प्रोसेस में रहता है, जो अब है और कुछ क्षण में वो परिवर्तन हो जाता है। तो वही है यथार्थ में परिवर्तन। हम उसको लक्ष्य लेके हमारे जीवन में आगे बढ़े, जो भी हम कर रहे हैं उसी में एक दिव्यता को लाएं, उस दिव्य से जुड़े होके। दिव्यता इस सारे जगत में एक यूनिवर्सल फोर्स है, और उस यूनिवर्सल फोर्स को हम रिकॉग्नाइज करें कि हाँ वो जो दिव्यता मुझे दे रहा है उसी दिव्यता मेरे अंदर से प्रकाशित हो रहा है, सभी के पास पहुंच रहा है। तो इसको अगर हम एस्पायर करेंगे तो वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आएगा और धीरे धीरे एक परिवर्तन के राह पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। यही हमारा अभिप्राय था। धन्यवाद।